फर्स्ट ऑफ ऑल द वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मेक एन वाइब्रेशंस फॉर अ सेकेंड, ठीक है, देन एन और म्यू विल बी कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है. एन वाइब्रेशंस का मतलब क्या हुआ? मैंने यहां से एक वेव छोड़ी इस तरीके की, ठीक है. अब आपको पता है कि एक्चुअली में वेव की जो शेप होगी, ठीक है, वो कुछ ऐसी होगी. बट अब हमको ये पता है कि दिस विल बी कॉल्ड एज अ लैम्डा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन, ठीक है. वन वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना, मतलब इसको यहां से यहां तक आने में टाइम थोड़ा लगेगा, ये ऐसी ही वेव होगी. बट व्हाट विल हैपन इज कि इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल अब कहां से शुरू होगा, एक तरह से यहां से शुरू हो रहा है. यहां पे इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा, सॉरी, इस पार्टिकल का यहां से लेट अस सपोज वेव शुरू हो रही है, इस पार्टिकल मोशन कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है. ये इस पार्टिकल का मोशन बताया मैंने, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो एक तरह से ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है. दिस विल बी कॉल्ड एज अ वन वाइब्रेशन फॉर दिस पार्टिकल. तो एक सेकंड के अंदर ये पार्टिकल कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है, दैट विल बी लेट अस सपोज एन वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, या फिर न्यू इतने वाइब्रेशंस. तो दिस न्यू, एक अगर ये इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, सो दिस न्यू विल बी कॉल्ड एज द वेव फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी. टी क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन, मतलब एक बार वाइब्रेट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, राइट. नाउ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? एक वाइब्रेशन के अंदर जितनी लेंथ होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज द लैम्डा, मतलब एक वाइब्रेशन में ये कितना मूव कर जाता आगे, ठीक है ना. मतलब जब लेट अस सपोज ये वाला पार्टिकल है, ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, जब इसका इतना वाइब्रेशन हुआ तो ये वाला पार्टिकल कितना आगे पहुंच गया, ठीक है ना. मतलब एक पार्टिकल है यहां पर, वो इस तरीके से वाइब्रेट करा इसने पूरा, ठीक है, इतना वाइब्रेट करा, इतने में ये वेव कहां तक पहुंच गई, यहां तक. मतलब जब यहां पे वापस आया तो अब ये वाला पार्टिकल फिर इसके सिमिलर मोशन शुरू कर देगा, ठीक है ना. तो वो कौन सा पार्टिकल होगा, मतलब ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, यू नो, ऑल दो अगर आप बुकलेट्स में पढ़ेंगे या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में या फिर सीबीएसई के करिकुलम में देखेंगे तो वो इस तरीके से समझाते हैं, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा. पार्टिकल जो है वो यहां से यहां नहीं जा रहा, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजीशन, ठीक है. तो अगर एक पार्टिकल अपना वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन ऐसे करेगा, एक वाइब्रेशन का मतलब क्या, वो ऊपर गया नीचे आया एंड देन अगेन दिस थिंग, ठीक है. तो अब लैम्डा क्या होता है एक्चुअली में, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, कितनी यू नो डिस्टेंस मूव हुआ. सो एक्चुअली में होगा क्या, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा एंड देन फिर वापस आएगा, ठीक है. इतनी एक वाइब्रेशन होगी इसकी, फिर क्या होगा, अब इतने टाइम में कोई एक पार्टिकल, ये वेव यहां तक पहुंच जाएगी. अब इस पार्टिकल का जब ये यहां पर पहुंचा, इस पार्टिकल का सेम मोशन चालू हो जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं फिजिकल टर्म्स में सोचूं कि एक्चुअली में रोप में क्या हो रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लैम्डा, गॉट इट. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ लैम्डा, या फिर अगर मेरे को दोबारा देखना है तो क्या कर सकता हूं, अगर लेट अस सपोज मेरा पार्टिकल अभी यहां पर है, ये यहां से पूरा करके ये आया, ठीक है, दिस विल बी वन वाइब्रेशन, ठीक है. मतलब अगर मैं मानू कि ये यहां से शुरू ना होकर, लेट अस सपोज मेरी ऑब्जर्वेशन का टाइम है जब ये यहां से शुरू हो रहा है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज वन, यू नो, वन वाइब्रेशन, यानी एक ट्रफ से दूसरे, सॉरी, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक आया, ठीक है. तो इतने टाइम बाद एक पार्टिकल यहां से शुरू होएगा, जब ये वापस आ गया, एक्चुअली में इसको यहां से वापस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने एक ही जर्क दिया है, अगर मैंने एक रोप के अंदर एक ही जर्क दिया है, तो ये तो है नहीं, ये बार बार वाइब्रेट करता रहेगा, एक बार वाइब्रेट करेगा, दैट्स इट, एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा. थोड़े टाइम बाद एक कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो इसका मोशन बिल्कुल डिट्टो फॉलो करेगा, जब ये रुक जाएगा तो तब ये फॉलो कर रहा होगा, गॉट इट. तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, बेसिकली दिस विल बी कॉल्ड एज लैम्डा, ठीक है. ये सिर्फ समझने के लिए था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बुकिश लैंग्वेज जो होती है उस तरीके से चल सकते हैं,
बेसिकली एक क्रेस्ट से दूसरे, मतलब यू नो एक क्रेस्ट से दूसरे ट्रफ, या फिर एक वाइब्रेशन, अगर एक पार्टिकल हमारी वेलोसिटी इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना, मतलब हमारा जो वेव है इस तरीके से प्रोपगेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा लैम्डा, ठीक है, और इस एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/T, ठीक है, ये हो गई वेवलेंथ एंड वेव फ्रीक्वेंसी. ठीक, अब आती है वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी क्या कहती है, वेव वेलोसिटी इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है, यानी डिस्टेंस कितना होगा, मतलब लैम्डा इसको मूव करने में कितना टाइम लगता है, लैम्डा डिस्टेंस मूव करने में इसको टी टाइम लगता है, ठीक है ना, तो एक तरह से यही इसकी वेलोसिटी होगी. तो एक सेकेंड में ये कितना मूव करेगा, अगर इसको टी सेकेंड्स लगते हैं, टी सेकेंड या टी टाइम लगता है लैम्डा मूव करने में, ठीक है, तो इसको एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा, ये लैम्डा अपॉन टी, ठीक है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द वेव वेलोसिटी. तो 1/T को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू इंटू लैम्डा. अब न्यू को मैं एक और चीज से डिनोट कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं एफ इंटू लैम्डा. तो ये हो गई हमारी वेव वेलोसिटी, ठीक है. तो यह थे सम बेसिक टर्म्स. नाउ लेट अस कम टू इक्वेशन ऑफ वेव मोशन. नाउ इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या होती है, ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि वेव क्या होती है, कैसी होती है. नाउ लेट अस सी इट इन मैथमेटिकल टर्म्स कि एक्चुअली में होता क्या है. नाउ सम फिजिकल क्वांटिटीज, लेट अस सपोज द डिस्टरबेंस वाई, अगर ये डिस्टेंस ये है हमारा वेव थी है, तो ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो एक पार्टिकल कितना ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, इज मेड टू ऑसिलेट एट वन प्लेस एंड दीज ऑसिलेशंस ऑफ वाई प्रोपगेट टू अदर प्लेसेस. दस ये जो प्रोपगेशन होती है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मेन पोजिशन. ये तो हमको पता ही है, मतलब जो वेव वेलोसिटी, वेव इक्वेशन जो मैं बता रहा हूं, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेलोसिटी एंड द टाइम, ठीक है, ये हम देखेंगे. इट कैन ईदर बी द प्रेशर डिफरेंस और द डेंसिटी डिफरेंस इन केस ऑफ साउंड वेव. क्योंकि साउंड वेव में क्या होता है कि जब वो कंप्रेस करती है, तो जब वो कंप्रेस करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है. सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह, ठीक है ना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस और द डेंसिटी डिफरेंस हम मेजर करते हैं, ठीक है, वेव इक्वेशन से. इट कैन ईदर बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उन केसेस में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है, या आप 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो, यू नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम उसकी इक्वेशन बताते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, राइट. सो अब देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है. लेट अस कंसिडर कि किसी भी एक एक्स डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज कि ओरिजिन से अगर स्टार्ट होती है एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वेव स्टार्ट हो रही है एंड टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है. सो द वेव जो होगी हमारी वेव इक्वेशन, हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, मतलब जो वाई डिस्टेंस आए दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है, तो ये हमारी वेव इक्वेशन होगी, ठीक है. बट ओनली दोज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी रिप्रेजेंट अ वेव मोशन विच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऐसे तो काफी सारे यू नो फंक्शन बन सकते हैं, बट वेव को वो ही रिप्रेजेंट करते हैं दोज हु रिप्रेजेंट डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर. ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब ऐसा तो कुछ भी हो सकता है कि यू नो वेव ना हो और किसी भी तरीके से पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव की तरह आगे नहीं जा रहे, आगे पीछे कुछ भी वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर्व को फॉलो कर लेंगे, अगर वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं तो वो एक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा जैसे कई हमें जैसे दिवाली के दिवाली जब होती है तो वी पुट अप लाइट्स आउटसाइड अवर होम्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है सम ऑफ द बल्ब्स यू नो कभी वो जल रहे हैं कभी बुझते हैं, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं.
सो वॉट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि अब वो कभी भी रैंडम मोशन हो कुछ भी, कभी कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है, कभी कोई जल रहा है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस ऐसा लगेगा कि हाँ ये जल बुझ हो रही है। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि एक साथ यहाँ से सारे जलते हैं फिर बुझते हैं, यू नो ऐसा लगता है एक वेव सी चल रही है, जैसे यहाँ पे अभी बुझे हैं बाकी सारे जले हैं, धीरे 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 यहाँ पर सारे बुझने लग जाते हैं, बुझने लग जाते हैं, और आपको फिर ऐसा लगता है कि वेव जा रही है, ठीक है। और एक मोशन ऐसा होता है कि वो कभी भी जल बुझ सकते हैं, ऐसे कभी भी जलते बुझते हैं, लेकिन उसमें आपको वेव नहीं लगती। तो वो वेव ऐसा मोशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वो इस टाइप की इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है, तभी वो वेव मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, तभी वो हमको ऐसा लगेगा कि ये एक वेव है, ठीक है। और यहां पे जो ये नाउ व्हाट इज दिस डी टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है, इनका डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ टी, दिस शुड बी इक्वल टू के, के एक कॉन्स्टेंट है, विच इज द वेलोसिटी का स्क्वायर, जो हमारी वेव वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, वाई का एक्स की टर्म्स में डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, के इनटू दिस डिफरेंशिएशन, राइट। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये हमारी एक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसको मैं अब इस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या आएगा, यानी इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिकली ये होना चाहिए वाई ऑफ एक्स कॉमा टी should be a function of ex plus minus bt, मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की होनी चाहिए, उसके अंदर फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए ax plus minus bt, ना कोई स्क्वायर होना चाहिए लाइक ax square plus bt square, bt ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कोई भी क्यूब नहीं होना चाहिए, कोई यहां पे अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, a एंड b शुड बी कॉन्स्टेंट्स और x और t should be times, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि a sin x plus bt, तो ये भी wrong है, ये भी हमारा wave motion को produce नहीं करेगा, simply ax plus minus bt होना चाहिए, तब हो सकता है, ठीक है। अब इसकी सिर्फ इकलौती एक और condition होती है, the only condition is that it should be finite everywhere and at all times, मतलब ये function हर जगह finite होना चाहिए, यानी time की मैं कोई भी value डाल दूँ it should have a definite finite value. Similarly, x की मैं कोई भी value डाल दूँ, it should be definite and finite. सिर्फ ये condition होती है इसकी, ठीक है? और इनके अंदर एक चीज और है, if the conditions are satisfied, then the speed of the wave is given as v will be equals to b upon a. b upon a क्या है? Coefficient of t upon coefficient of x. मतलब equation के अंदर जो भी कोफिशियंट होगा टी का डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, दिस विल गिव अस द वेव वेलोसिटी, मतलब अगर आपको ऐसा फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा कि वेव वेलोसिटी क्या है, सो दैट विल बी वी इज इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक चीज और, हाँ ये जो फंक्शन है ये बस आपको बता रहा हूं, ये इस तरीके से हो सकता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ठीक है ना, तब ये वेव मोशन को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन वो जो मैंने आपको पहले केस बताया था कि साइन ए एक्स प्लस बी टी हो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि ए एक्स प्लस बी टी प्लस माइनस बी टी आ जाए, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी अगर बतानी हो वेव की वेलोसिटी, सो वी कैन डेफिनेटली राइट कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इक्वेशन में जैसे यहां पे हमने देखा प्लस माइनस है, व्हाट डज दिस प्लस माइनस सिग्निफाई, अगर प्लस साइन होता है ए एक्स प्लस बी टी के बीच में, देन This implies that the wave is traveling along the minus x direction, यानी इस direction में wave हमारी travel कर रही है, ठीक है? ये एक you know shortcut है बताने का basically. तो ये आप you know याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे ax plus bt है, तो उस case में wave will be given by this thing and it will be traveling in the minus x direction. और अगर यहाँ पर negative होता है, ax minus bt होता है, so wave की value यही होगी, but this time it will be traveling in the plus x direction.